एक बुरी खबर पूरे परिवार को मिलती है। मैच 18-19 साल का सचिन जिसका शव जो है परिवार को मिलता है नगला मेगा के पास मिलता। हालांकि क्या हुआ इसके बारे में परिवार को भी कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जैसी सूचना मिलती है कि सचिन का शव नगला मेगा के पास पड़ा है, वैसे ही परिवार जो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है। कल रात को जो है उनका शव मिलता है और आज जो है पोस्टमार्टम के लिए लेकर आया जाता है। परिवार के तमाम लोग जो है रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, देखते कि किस तरीके से काफी बुरी हालत में जो है रोते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि परिवार जो है काफी रोता बिलखता हुआ नजर आ रहा है। ये देख सकते हैं कि क्या हुआ था सचिन का, क्या पता चला, क्या हुआ था आपके भाई को कुछ पता चला? आज कुछ नहीं पता लगा, हम तो बाहर के हैं भैया। क्या जानकारी मिली आपको? मेरा छोटा भाई था, वृंदावन जाने के लिए तैयार था। हाँ जी, मैं तैयारी कर रखी थी वृंदावन जाने की। जिस दिन उसकी बॉडी मिली है गया क्या रहा, मैं तैयारी करके जा रहा, फिर वहीं पहुंचा नहीं, किसी ने कोई कहाँ ले गया, पता नहीं कहाँ नहीं ले गया। अच्छा, आपको लग रहा है कि वो गया नहीं है वहाँ पे? कोई फोन फोन किया था उसने 2-3 दिन के अंदर? 3 दिन बाद मिला है वो ऐसे? हाँ जी, आज सुबह पता लगा। बीच में एक दिन में कोई फोन फोन किया उसने, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ? ये सीधा एड्रेस नहीं बताया, फोन तो करा था कि मैं यही आस पास हूँ, बस यही बताया। करनाल के आस पास? ये मतलब नहीं गया वो वहाँ? तो कब निकला था वृंदावन के लिए? आज चौथा दिन है जी उसको। चौथा दिन कैसे पता चला किसकी बॉडी मिली है? आज सुबेरे पता लगे, 2:30 बजे रात को। तो बता रहे हैं उसने सारा पैकिंग करी थी, मोबाइल भी था, कुछ मिला कुछ नहीं उसका सामान? नहीं कुछ, सारे कपड़े भी उतरे हुए थे उसके। हाँ जी, तो चोट वगैरह के निशान हैं? अभी देखेंगे तभी तो पता लगेगा, देखा नहीं ना हमने। नगला फार्म का अभी आप देख रहे हैं, बिल्कुल देखते कि उनकी बहन है, काफी रोते बिलखती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि पूरा परिवार जो है वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि सचिन उसकी उम्र महज 19 साल के करीब बताई जा रही है, उसका जो है शव मिलता है, घर से निकला था 3 दिन पहले कि वो जो है वृंदावन जाना है, लेकिन उससे पहले ही जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घर से जब निकलता है और कल देर रात को जो उसका शव मिलता है और उसके बाद परिवार के तमाम लोग जो है वो किस तरीके से रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार जो रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा हैरान है परेशान है, लेकिन किसी को इस बारे में कुछ सूचना नहीं है कि आखिरकार सचिन के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसका शव जो है वो मिल जाता है। और लेकिन क्या हुआ, क्या कोई हादसा है, कोई एक्सीडेंट है, इसके बारे में किसी को भी कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। परिवार के तमाम लोग जो वो यहाँ पर बैठे हुए नज़र जरूर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि ये माता जी, सचिन की माता जी भी हैं। माता जी क्या जानकारी मिली थी आपको, क्या पता चला? लापता था वो, फिर मैंने फोन करे उसका फोन बंद पड़ा था। हाँ, कब से क्या हुआ था घर से? 4 दिन हो गए। हाँ जी, फिर फोन? हाँ जी वृंदावन। हाँ जी, पता नहीं कौन ले गया उसको वृंदावन। आपको कब और क्या जानकारी मिली? पता नहीं काम पे, पता नहीं कौन ले गया कौन नहीं ले गया। आपको कब पता चला कि ऐसे सचिन साथ कुछ हुआ है? रात पता लगया जी। कैसे पता चला आपको? फोन पे आया। बाइक पे गया थे? नहीं जी। किसी के साथ गया था? किसके साथ था वो पता नहीं कौन था, मुझको कोई पता नहीं था। दोस्त हो, कोई जानकार हो जिनके साथ जाओ, कोई पता हो किसके साथ? नाम तो पता नहीं है कुछ। बाहर से बाहर ले गया। सूचना कब मिली आपको सचिन की? रात मिली थी, 3 बजे। क्या पुलिस को फोन आया था किसको? नहीं, फोटो भेजे थे। एक लड़का था मेरा। क्या आपको क्या लग रहा है क्या हुआ उसके साथ? लूटपाट हुई है? किसी ने मारा है? किसने मारा है? किसने मार दिया मेरे लड़के को? बता रहे हैं बॉडी पर भी कपड़े नहीं थे। हाँ जी, नंगा नहीं। कितने बच्चे हैं और आपके?
लड़की क्या करता था ये मेहनत मजदूरी करता था। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरीके से परिवार के तमाम लोग जो है जिनको भी जानकारी नहीं है कि आखिरकार इनके बेटे के साथ क्या हुआ है। सचिन जो है 3 दिन पहले वृंदावन के लिए निकला था लेकिन कल देर रात को जो है उसका शव मिलता है। शव मिलता है, कपड़े नहीं थे शरीर पर और उसके बाद जो है परिवार को इसके बारे में कुछ भी ज़्यादा जानकारी आखिरकार नहीं मिल पाई है कि सचिन के साथ हुआ क्या है, क्या कुछ लूटपाट के इरादे से इससे हादसा हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है, इसके बारे में कुछ भी फिलहाल परिवार को कुछ जानकारी नहीं है। परिवार जो है हालांकि पुलिस की जो है मदद मांग रहा है क्योंकि वहां पर जो है साथ में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और उसके बाद ही जो है कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार क्या कुछ सचिन के साथ बीती है। सचिन नाम का लड़का 3 से 4 दिन पहले घर से निकलता है वृंदावन जाने के लिए लेकिन उसके बाद उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन परिवार को जो एक दुखद समाचार जो है कल देर रात मिलती है, गरुंडा हाईवे के नज़दीक जो उसका शव मिलता है। आपको बता दें कि शरीर पर कपड़े नहीं थे, क्या कुछ उसके साथ हुआ है, नाम सचिन है, उसके बारे में कुछ भी बहरहाल पता नहीं चल पाया कि आखिरकार सचिन के साथ क्या हुआ। परिवार जो है काफ़ी ज़्यादा हैरान है, परेशान है लेकिन क्या कुछ सचिन के साथ बीती है वो किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन 4 दिन पहले जो है घर से वृंदावन के लिए निकला था, दिहाड़ी मजदूरी करता था, उम्र महज 19 साल या 20 साल के करीब थी और दिहाड़ी मजदूरी करता था, इकलौता लड़का था, 3 बहनें ज़रूर हैं लेकिन लड़का जो है इकलौता ज़रूर था। और उसके बाद जो है परिवार को काफ़ी दुखद खबर मिलती है कि सचिन के साथ जो है कुछ हो जाता है और उसकी जो है मौत की खबर ही परिवार को मिलती है और उसके बाद परिवार जो है काफ़ी सदमे में आ जाता है। और उसके बाद सचिन के शव को जो है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के मर्चरी हाउस में भिजवाया जाता है और उसके बाद जो उसका यहाँ पर पोस्टमार्टम फिलहाल किया जा रहा है। और उसके बाद परिवार जो है काफ़ी परेशान ज़रूर है, पुलिस से जो है गुहार लगा रहे कि इस मामले में क्या कुछ सचिन के साथ हुआ है वो बहरहाल गहनता व गंभीरता से जांच ज़रूर होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि आखिरकार सचिन के साथ हुआ क्या कुछ है। लेकिन देखते कि परिवार जो है काफ़ी ज़्यादा हैरान है, परेशान है और देखते कि यहाँ पर जो है फिलहाल सचिन का पोस्टमार्टम चलता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। उसके बाद परिवार के तमाम लोग जो यहाँ पर पहुँचे हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, उनके परिवार से तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, एक बार उनसे भी बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि सचिन जो महज 19 साल के करीब था, जो दिहाड़ी मजदूरी करता था और उसके बाद जो है ये देख सकते हैं कि सचिन की तस्वीर है, सचिन की तस्वीर है जो कि वृंदावन के लिए घर से निकला जरूर था लेकिन परिवार को जो है पीछे से एक दुखद खबर जरूर मिलती है। अभी परिवार से ही हैं भाई, उसके क्या जानकारी क्या मिली थी? कुछ उसकी जानकारी नहीं मिली, बस बताया गया था अभी वहाँ मर्डर हो रहा, किसी ने पीट पाट के गिर दिया वहाँ रात को, वहाँ से कुछ लोगों ने यहाँ ले आए, ये नहीं पता कि उन्होंने मारा के किसी ने और मार रखा था। फिर जब यहाँ हमारे घर के पहुँचे तो वो लोग छोड़ के भागे थे। कौन थे कुछ नहीं पता? नहीं, उनके बारे में कोई पता नहीं था, नंबर दिया था उन्होंने फ़ोन नंबर, उसके बाद गेट से बाहर निकलते ही उन्होंने फ़ोन ही बंद कर दिया था। तो ये क्या वृंदावन के लिए निकला? हाँ जी, वृंदावन के निकला था, कुछ लड़के भी थे इसके साथ, करनाल के थे, कुछ बाहर के थे, उसके बाद वो उनका नहीं पता लगा वो गए कहाँ। वो शरीर पे कपड़े नहीं, नंगा शरीर है, चोट के निशान है सारे शरीर पे। उमर कितनी थी? उम्र ये 18-19 साल। और दिहाड़ी मजदूरी करता था? दिहाड़ी मजदूरी करता था, कल्ला ही था, 2-3 बहनें थी इसकी, एक ही लड़का था। पिता है? पिता भी क्या है? वो भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो बिल्कुल देखते हैं कि परिवार के लिए जो है एक बुरी खबर जरूर आती है कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाला घर का जो है गुजर किस तरीके से हाथ बढ़ाया करता था, मदद किया करता था, लेकिन उसी के जो है मौत की खबर परिवार को मिलती है और परिवार जो है काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान होता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल परिवार जो है पुलिस से मदद की गुहार लगाता हुआ नज़र आ रहा है और देखना होगा कि पुलिस जो है इस मामले में क्या कुछ आगे कार्रवाई करती है। कुश्तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।